हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एट्यूनेटर्स के बारे में, ठीक है। इससे संबंधित इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एट्यूनेटर्स होता क्या है। एन एट्यूनेटर इज ए टू पोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड बिटवीन सोर्स एंड लोड टू प्रोवाइड डिजायर्ड एट्यूनेशन ऑफ द सिग्नल, ठीक है। जो एट्यूनेटर होता है एक प्रकार का टू पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। और इसको कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सोर्स और लोड के बीच में, ठीक है। सोर्स और लोड के बीच में इसको कनेक्ट करते हैं और काम क्या करता है, सिग्नल को एट्यूनेशन प्रदान करता है, ठीक है। डिजायर एट्यूनेशन प्रदान करता है। एट्यूनेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को या मैग्नीट्यूड को कम कर देना, ठीक है, एट्यूनेशन कहलाता है। जैसे हम लोग समझते हैं एक एम्पलीफायर है और यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल है। आप देख सकते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है या जो इसका स्ट्रेंथ है इतना है। और एम्पलीफायर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को या मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है एम्पलीफायर से, उसका जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड। इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। वही हम लोग बात करें एट्यूनेटर्स का, तो सेम एम्पलीफायर का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह का सिग्नल है, ठीक है। इसका जो स्ट्रेंथ है कुछ इतना है यहाँ पे, और यहाँ से जो इसका आउटपुट मिलेगा इसके स्ट्रेंथ को कम कर देगा। यहाँ से देख सकते हैं कि इसके स्ट्रेंथ को कम कर दे रहा है। यहाँ पे पहले स्ट्रेंथ इतना था यहाँ से यहाँ तक, अब कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया। तो एट्यूनेटर का काम क्या होता है, किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करना, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो एट्यूनेटर्स होता है उसकी कौन कौन से यूनिट होते हैं। तो इसके दो यूनिट होते हैं, एक डीबी होता है, डेसिबल, और एक होता है नेपर्स, ठीक है। या तो इसको नेपर्स में मेजर करते हैं एट्यूनेशन को, या तो डीबी में इसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक लोड है। इसके बीच में हम लोग एक कनेक्ट किए हैं एट्यूनेटर्स को। और यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है आरएस, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आईएस है। और यहाँ पे एक लोड है आरएल, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आईआर है। और यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वीएस है, और यहाँ से यहाँ का जो वोल्टेज है वो वीआर है, ठीक है। तो डीबी में एट्यूनेशन क्या होता है कि डी इक्वल टू होता है 10 लॉग पीएस अपॉन पीआर मॉड में और बेस 10, ठीक है। यह एक फार्मूला होता है एट्यूनेशन इन डीबी। ये सारे वैल्यू डीबी में रहते हैं। यहाँ पे पीएस क्या है, सोर्स पावर है, और पीआर क्या है, लोड पावर है। कितना सोर्स में कितना पावर है पीएस है, और लोड में कितना पावर है पीआर है। और इसका एक फार्मूला होता है जो कि वोल्टेज में होता है। तो डी इक्वल टू हो गया 20 लॉग वीएस अपॉन वीआर बेस 10, ठीक है। ये भी डीबी में है। अगला फार्मूला डी इक्वल टू 20 लॉग आईएस अपॉन आईआर बेस 10। यह तीन फार्मूला होता है डीबी में एट्यूनेशन। एट्यूनेशन का तीन फार्मूला है जो कि डीबी में इसको मेजर करते हैं। यही हम लोग बात करें नेपर्स में, तो नेपर्स में जो एट्यूनेशन का फार्मूला होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा इक्वल टू 1/2 लॉग पीएस अपॉन पीआर मॉड में, और इसका जो बेस रहता है वो ई रहता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला अल्फा इक्वल टू लॉग ई वीएस अपॉन वीआर, और अल्फा इक्वल टू लॉग ई लॉग आई एस अपान आई आर बेस ई, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम लोग डीबी में मेजर करते हैं तो इसका जो लॉग का बेस होता है 10 होता है,
और जब नेपर्स में मेजर करते हैं तो इसका जो वेस होता है, लॉग का जो वेस होता है और नेचुरल होता है ई होता है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। और यहाँ पे जो IS है वो सोर्स से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और जो IR है वो लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो तीन फार्मूला हो गया जो कि DB में है, और तीन फार्मूला हो गया जो कि नेपर्स में है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन DB एंड नेपर्स। डेसिबल और नेपर्स में कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ संबंध होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डी क्या है, एटेन्यूएशन इन DB है, और अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन इन नेपर्स है। तो एक फार्मूला होता है डी इक्वल टू 8.686 इंटू अल्फा, ठीक है, और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू 0.115 इंटू डी। तो यहां पे देख सकते हैं अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन इन नेपर्स, और डी क्या है, एटेन्यूएशन इन DB, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं अगला पॉइंट जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स है। एटेन्यूएटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स, और दूसरा होता है एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स। इन दोनों के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स क्या होता है। तो सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स यह एक रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। पहली बात, जो सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है एक रेजिस्टिव नेटवर्क होता है, ठीक है। इनको सोर्स और लोड के मध्य में कनेक्ट करते हैं। जो भी सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स होते हैं उनको लोड और सोर्स, मतलब सोर्स और लोड के बीच में ही कनेक्ट करते हैं। और इन एटेन्यूएटर्स के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, यही अंतर होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कैसे अंतर होता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स में। तो जो सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स होते हैं उनका जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, RI इक्वल टू होता है R0 के, ठीक है। सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स में RI इक्वल टू होता है R0। RI क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, R0 क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं एक सिमेट्रिकल T एटेन्यूएटर्स है यहाँ पे, और ए वाला जो है वो सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स है। तो T आप देख सकते हैं ए वाला जो है वो T शेप में है, इसलिए T एटेन्यूएटर्स है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं पाई शेप में है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एटेन्यूएटर्स। और सिमेट्रिकल क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, ठीक है। R1 यहाँ पे है और R1 वहां यहाँ पे भी है, तो इन दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो जब हम लोग इधर से इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है और आउटपुट रेजिस्टेंस है दोनों सेम आएगा। ठीक इसी प्रकार जो सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स है इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2, और वही सेम रेजिस्टेंस R2 यहाँ पे है। जब यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को जो हम लोग मेजर करेंगे इसमें, तो देखेंगे कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यह होता है एक सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स। अगला हम लोग देखने वाले हैं एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स। यह भी एक रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। एसिमेट्रिकल नेटवर्क्स जो होते हैं वो भी एक रेजिस्टिव नेटवर्क होते हैं, और इसको भी सोर्स और लोड के मध्य ही कनेक्ट करते हैं। जो एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स होते हैं उनको भी लोड और सोर्स के बीच में ही कनेक्ट करते हैं, और इनका जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है। तो RI इज नॉट इक्वल टू R0 के। तो यह होता है एक एसिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिमेट्रिकल T एटेन्यूएटर्स है, और यहाँ पे एक फिगर है जो कि एसिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स का है। तो यहाँ से जब हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस और यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यह हो जाता है एसिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस सेम नहीं है,
इसलिए जब भी हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इक्वल नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी जो पाई एटेन्यूएटर्स है, सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स, उसका भी जो इनपुट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसका भी जो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा वो सेम नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर्स। अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स, या फिर इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है एटेन्यूएटर्स का। तो फॉर एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन के लिए इसका यूज किया जाता है। कई जगह पर ऐसे सिग्नल की हमको आवश्यकता होती है, नीड होती है कि जो सिग्नल होता है इसके स्ट्रेंथ को कम करना होता है, तो वहां पे हम लोग एटेन्यूएटर्स का यूज करते हैं। और फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, एटेन्यूएटर्स का यूज इम्पीडेंस मैचिंग में भी हम लोग करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग मतलब क्या होता है कि जो सोर्स और लोड होता है, सोर्स से लोड की तरफ या लोड से सोर्स की तरफ कैसे हम लोग मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करते हैं, इससे शो होता है इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, तो उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक आता है थ्योरम, उससे क्लियर होता है इम्पीडेंस मैचिंग। जो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो इसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, अगला जो इसका यूज है एज वेरिएबल एटेन्यूएटर्स, वेरिएबल एटेन्यूएटर्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। फॉर इंक्रीजिंग इनपुट रेजिस्टेंस या इनपुट इम्पीडेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट्स का जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया जा सकता है एटेन्यूएटर्स की सहायता से। किसी भी इक्विपमेंट्स का जो इनपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, इनपुट जो इम्पीडेंस है उसको इंक्रीज किया जा सकता है एटेन्यूएटर्स की हेल्प से। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सिमेट्रिकल जो टी एटेन्यूएटर्स होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, एक सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे भी R1 है, यहाँ पे भी R1 है, R2 है। ठीक है, इसको हम लोग लोड और सोर्स के बीच में जब कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक लोड एक सोर्स है और यहाँ पे एक लोड है, तो इसके बीच में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसको एटेन्यूएटर्स को। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R0 है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, वही R0। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IS है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो IR है, और यहाँ पे जो VS है वो सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। तो इसके डिजाइन करने से क्या मतलब होता है कि R0 जो R1 और R2 इसकी वैल्यू हम लोग को पता करना होता है। यहाँ पे जो R1 है और R2 है इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना होता है, जिससे कि हम लोग जो सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स है उसको हम लोग डिजाइन कर सके। तो इस फिगर से देखिए, करंट डिवीजन रूल, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं करंट डिवीजन रूल। तो यहाँ पे IR इक्वल टू हो जाता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R0, ठीक है, इनटू IS, IS जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से देखिए IR इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R0 इनटू IS। हम लोग जानते हैं कि जो N होता है इक्वल टू होता है IS अपॉन IR, ठीक है, तो N यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको जब हम लोग इधर करेंगे या तो इसको इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको इधर कर रहे हैं और जो IR है इसको यहाँ पे ला रहे हैं, और इसको जब इधर करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे चला आएगा। तो यहां से जो IS अपॉन IR होगा उसको हम लोग सीधे सीधे N भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे N लिख दिए और इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये वाला R1 प्लस R2 प्लस R0 ऊपर हो जाएगा, अपान हो जाएगा R2 यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग एक एक में डिवाइड करेंगे इसको R2 को, तो यहाँ से जो N की वैल्यू आएगा 1 आएगा, पहले इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे फिर इसमें डिवाइड करेंगे, तो 1 आएगा प्लस R1 बाई 2 आएगा प्लस R0 बाई R2 आएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं N यहीं पे है और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो N माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा R0 प्लस R1
डिवाइड बाय आर टू, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आर नॉट की वैल्यू आता है इक्वल टू आता है आर वन प्लस आर टू पैरलर में आर वन प्लस आर नॉट, ठीक है, आर टू के पैरलर में होता है आर वन प्लस आर नॉट। इन पैरलर कॉम्बिनेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है क्या, आर टू इंटू आर वन प्लस आर नॉट अपन आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट, ठीक है। तो टोटल जो हो जाएगा आर नॉट इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू आर वन प्लस आर नॉट अपन आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट। यहां से जो आर टू है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोग इसको आर टू को यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहां से क्या हो जा रहा है कि जो n की वैल्यू आया था पीछे n इक्वल टू आया था यही आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट बाई आर टू, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम लोग लिख लेते हैं n। तो यहां से जो वैल्यू आ जाता है आर नॉट की, आर नॉट इक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट इक्वल अपॉन एन, ठीक है। तो यहां से पूरा जो वैल्यू होता है इसको एन बोलते हैं, तो यहां से एन हम लोग पुट कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इसको इधर भी भेजेंगे तो एन आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे तो एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे और जो आर नॉट है उसको इधर ले लाएंगे तो यहाँ पे माइनस आर नॉट हो जाएगा और आर एन आर वन प्लस आर वन को यहीं पे रखेंगे। अब क्या है कि इसमें से आर नॉट कॉमन है, इसमें से आर वन कॉमन है, तो यहां से हम लोग आर नॉट कॉमन ले लेते हैं और इसमें से आर वन कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जो आर वन की वैल्यू आता है वो क्या आता है, आर वन इक्वल टू आता है आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक फार्मूला आ गया है, आर वन की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू भी दिया रहेगा और आर नॉट की वैल्यू भी फाइंड रहेगा पहले से। तो यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट करके आर वन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग निकालते हैं आर टू की वैल्यू, ठीक है। आर टू की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आर वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करने पर, तो यहां पे जो इक्वेशन नंबर वन था यहां पे इसमें क्या था कि आर वन यहां पे था तो आर वन की वैल्यू इतना हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पे देख सकते हैं कि एन माइनस वन, एन माइनस वन यहां पे भी है और इक्वल टू है आर नॉट प्लस आर नॉट और यहां पे पूरा वैल्यू इसमें इतना हम लोग पुट कर दे रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हैं आर नॉट प्लस आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन पूरा डिवाइड है आर टू से, ठीक है। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तब क्या आएगा, इसका क्रॉस गुणा इसमें होगा तो आर टू हो जाएगा ब्रैकेट में एन माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू, इसका भी जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें करेंगे जब, क्योंकि आर नॉट हो जाएगा एन प्लस वन हो जाएगा प्लस आर नॉट एन माइनस वन हो जाएगा अपान में एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आर नॉट का अंदर गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, आर नॉट एन प्लस आर नॉट हो जाएगा प्लस आर नॉट एन माइनस माइनस है तो यहां पे हो जाएगा माइनस और आर नॉट यहां पे हो जाएगा अपान एन प्लस वन हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं आर नॉट यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहां पे बचेगा टू आर नॉट एन, ठीक है। तो यहां से आर टू एन माइनस वन इक्वल टू बचा टू आर नॉट एन अपान एन प्लस वन। यहां से हम लोग जब इसकी वैल्यू आर टू की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इक्वल टू आता है टू आर नॉट एन अपान एन प्लस वन यही है और यहां पे जो एन माइनस वन था वो भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है एलजेब्रिक फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा,
तो यहाँ पे R2 इक्वल टू हो जाएगा R नॉट टू एन, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। यहाँ से हम लोग जो टी नेटवर्क, जो टी एट्यूनेटर्स था, जो सिमेट्रिकल टी एट्यूनेटर्स था, उसके फिगर में हम लोग यहाँ पे देख सकते थे R1 था, यहाँ पे भी R1 था और यहाँ पे R2 था। तो जो R1 की वैल्यू आई है यहाँ पे हम लोग रखेंगे, और जो R1 की वैल्यू आई यहाँ पे रखेंगे, और जो R2 की वैल्यू आई है यहाँ पे रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड करके जो सिमेट्रिकल टी नेट जो एट्यूनेटर्स है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो सिमेट्रिकल पाई एट्यूनेटर्स होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस होता है, सिर्फ इसको हम लोग इसका फार्मूला देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक पाई सिमेट्रिकल एट्यूनेटर्स है, ठीक है। यहां से जो R1 और R2 की वैल्यू आता है, R1 इक्वल टू आता है R नॉट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एन, ठीक है। और यहां से जो R2 की वैल्यू आता है, जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो पिछली बार जो सॉल्व की है उस तरह से जब सॉल्व करते हैं, तो R2 की जो वैल्यू आता है n प्लस वन अपॉन n माइनस वन आता है, ठीक है। यहाँ इससे हम लोग फिगर से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोड और सोर्स के बीच में एक सिमेट्रिकल पाई एट्यूनेटर्स कनेक्ट है। तो इससे हम लोग फाइंड करते हैं R1 और R2 की जो वैल्यू, जैसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं वैसे ही हम पाई सिमेट्रिकल पाई एट्यूनेटर्स को भी डिजाइन कर लेते हैं या कर सकते हैं। तो अगला हम लोग देखने वाले हैं एल टाइप एट्यूनेटर्स को कैसे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एल टाइप एट्यूनेटर्स है, और इसका जो डिजाइन होता है, डिजाइन करने का मतलब कुछ नहीं है, R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करके हम लोग किसी भी टाइप के एट्यूनेटर्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो R1 जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है आई एस है, यहाँ से जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है आई आर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आर आई टी वन, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर आई टी वन, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ R1 और R2 की वैल्यू जैसे ही हम फाइंड कर लेते हैं वैसे ही हम सिमेट्रिकल किसी भी टाइप के एट्यूनेटर्स को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो L टाइप एट्यूनेटर्स होता है उसमें जो R1 की वैल्यू आता है वो n माइनस वन अपान n इंटू आर आई टी वन आता है, और जो R2 की वैल्यू आता है R2 इक्वल टू आता है आर आई टी वन अपान n माइनस वन, ठीक है। तो यह दो फार्मूला हो गया। इसमें क्या होता है, R1 और R2 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करके ही इसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एट्यूनेटर्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल एट्यूनेटर्स क्या होते हैं, सिमेट्रिकल एट्यूनेटर्स क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा, और आपको नॉलेज के साथ साथ अच्छे नंबर भी, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर भी गेन हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।